नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ईपीएल। तो ईपीएल एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो एक केमिकल सेक्टर का एक लीडर प्लेयर है, और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इस कंपनी के ऊपर, अगर इस कंपनी का मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान देंगे कि कंपनी के जो एलुमिनियम फॉस्फाइड है उसमें 25% ग्लोबली मार्केट में मार्केट शेयर लेकर रखा है। बाकी जो क्रॉप प्रोटेक्शन है वो ग्लोबली मार्केट में 8% के आसपास है। तो ग्लोबली मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेजेंस बना चुके हैं कंपनी। और इंडिया में क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर कंपनी 14% का मार्केट शेयर है। तो एक अच्छा खासा कंपनी मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो जिस मार्केट शेयर के कारण कंपनी में आज शायद प्रेशराइज देखने को मिले, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम हुआ। तो डिमांड जब फिर से होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ईपीएल खड़ा हो जरूर हो पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में यही डाउट है कि कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, देखिए कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए एवरेजली 6% के आसपास है। उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, फिर भी 6% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कंपनी का डेप्थ जो पहले बहुत ज़्यादा था, 1.38% के आसपास था, अभी वो घट के हो चुके हैं 0.97 के आसपास। इसका मतलब कंपनी की जो डेप्थ है वो डेप्थ अभी थोड़ा सा कम हुआ। अभी इस डेप्थ कम होने के बाद भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस बेसिस में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से लेकर इंस्टीट्यूशन, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ने बीच में क्या किया था, कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया था, वो फिर से बाई करना स्टार्ट कर दिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो FIs के होल्डिंग्स हैं वो भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो FIs के पास, DIs के पास, सबके पास होल्डिंग्स हैं। और जो खुद के जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है, खुद के प्रोमोटर के पास 28% होल्डिंग था, आज 32% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो हर कैटेगरीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो पब्लिक के पास, सॉरी FIs के पास है। तो जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन अभी तक टिके हुए हैं, क्या उस कंपनी को आप बेकार कंपनी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कंपनी मेरे हिसाब से बेस्ट कंपनी है। अच्छा खासा काम करने के साथ साथ अच्छा खासा ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिला। अभी इस कंपनी के जो अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उस चार्ट पैटर्न्स देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी हायर लेवल से एक बिग सेल ऑफ सिचुएशन देखने को मिला। कंटिन्यूसली देखिए एक ही वो रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया और नीचे आए। तो बार बार इसी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आए और फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रांगली उसका सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया, फिर से एक स्ट्रांगली सपोर्ट था, दूसरा वाला सपोर्ट, उसको भी ब्रेक डाउन किए और बिग फॉल देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश भी किए थे, मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो रिकवरी करके ऊपर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा है और जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो लास्ट जो इसका सपोर्ट है, मतलब जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस लेवल तक आएगा। वो सपोर्ट निकल कर रहा है 415 के आसपास। तो ये सपोर्ट आप प्रीवियस डेटा को देखेंगे तो यही सपोर्ट कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या था, एक सपोर्ट था। क्योंकि इसी लेवल को टच करने के बाद ही कंपनी के ऊपर बिग जर्नी देखने को मिला। यहाँ से रीबैक करने का कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो पहले उस लेवल तक आएगा, उसके बाद क्या डिसीजन बनता है जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। देखिए सुमितोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड ये भी एक एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। इस कंपनी का कुछ खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। मान लेता हूँ कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एवरेज पी रेशियो निकल के आपको दूँ तो 51 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 57 है।
तो कंपनी का पीरी से उतना भी हाई की ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी के एक टाइम पीरी से चला गया था 66 तक। तो कंपनी करेक्शन भी किया, उसके बाद धीरे धीरे कोविड के जो लेवल था उस लेवल के नीचे भी आए थे, उसके बाद देखिए रिकवरी भी किया। अभी इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है वो आपको सबसे पहले देखना होगा, उसके बाद टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बिजनेस है, अभी इस बिजनेस में कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला, बेस्ट तरीके से। और डेप्थ देखिए एकदम नाक के बराबर है, और जो नेट प्रॉफिट है जो आपने यूपीएल में देखा कि 6 से 8% है, और यहाँ पे 13 से 14% एवरेज आपको देखने को मिलेगा लास्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स में और करंट ईयर्स में। मतलब एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला, तो बेस्ट तरीके से प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में एग्रोकेमिकल्स के ऊपर ही कंपनी 92% बिजनेस कर रहा है, बाकी आदर्स के ऊपर 7.4%। अभी देखिए कंपनी की जो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी बिजनेस कहाँ पे चला रहा है। कंपनी देखिए इंडिया में 87% बिजनेस चला है, साउथ अमेरिका में 3% और अफ्रीका में कंपनी का 3%, और बाकी देखिए अदर्स कंट्रीज यूरोप है, साथ ही साथ एशिया के कुछ जैसे जापान है, उसके साथ साथ जापान के दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में भी कंपनी का बिजनेस चला है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव व्यू से देखूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो पिछले बार के जो सेल्स था उस सेल्स से इस बार सेल्स बहुत कम हुआ, और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी का सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 91 करोड़ से 55 करोड़ बना, और पिछले साल में तो 45 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट बना था। मतलब कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही नेट प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ कम होता देखने को मिले, जिसके चलते है एक बिग प्रेशराइज कंपनी के ऊपर देखने को मिला। उससे पहले कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए कंपनी के सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी के सेलिंग्स है, मतलब सेल कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, मगर प्रमोटर ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठा के रखे हैं, और म्यूचुअल फंड ने भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखे, और FIIs ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स उठा के रखे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड और FIIs दोनों ने अच्छा खासा होल्डिंग्स उठा के रखे हैं। बाकी आप इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे शोल्डर कम हेड सॉरी यहाँ पे हेड बना, कब बना, उसके बाद दो बार शोल्डर यहाँ पे हैंडल बना, दो बार नहीं एक्चुअली दो बार हैंडल बना, फाइनली एक बार हैंडल बनने जा रहे थे वो हैंडल कंफर्म नहीं हुआ। इसका मतलब जो पैटर्न्स बन रहा था वो पैटर्न्स कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हैंडल से नीचे आ गया तो इसका मतलब पहले वाला जो पैटर्न है वो कम यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा। अभी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ वहाँ पे एक चीज़ों को मैं नोटिस करूँ तो कंपनी का प्रीवियस यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, क्योंकि इसी लेवल को बार बार वो रिटेस्ट करके ऊपर गया था, मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर वॉच करूंगा, क्योंकि जब कोई मौका मिले तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बनने जा रहे हैं। वो पैटर्न्स क्या है आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बना, मतलब यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग रेंज बना, और वो भी कितना 25% के आसपास। तो 25% के आसपास एक बाइंग रेंज बना, और इसी बाइंग रेंज के हिसाब से देखा है तो कंपनी के जब भी स्लिप नीचे लेवल में टच करेंगे तो यहाँ पे एंटी बनेगा, और ऊपर लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो एंटी और एग्जिट पॉइंट के हिसाब से बात करूँ तो अभी नीचे लेवल को टच करने के लिए आ रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि नीचे लेवल को जरूर टच करने वाला है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम पीरियड है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे टच करने के बाद वो रिवर्सल करने का कोशिश करेंगे। तो इतना आसान भी नहीं है, इतना जल्दबाजी करना भी बेकार होगा कि कंपनी आएगा उसको टच करके ही ऊपर चला जाएगा, ऐसे हमेशा होता नहीं है, कभी कभी यहाँ से रिबैक कर जाते हैं। अभी देखना बाकी है कि इस लेवल को टच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखिए सर टच करने से ही एंटी होगा ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए।
परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। सेल्स इस बार भी बढ़ा, क्वार्टर से भी बढ़ा, और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट 393 करोड़ से 375 करोड़ बना। मतलब एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी गुद पड़ा। अभी देखिए, नेट जो एनपीए है वो पहले 2% के आसपास हुआ करता था, आज वो एनपीए कम किया 0.51 के पास लेके आए थे, इस बार थोड़ा सा एनपीए बढ़ चुके हैं। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो देखा जाए तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस चल रहा है, और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी रखा है। जैसे म्यूचुअल फंड ने 11%, FIIs ने 40% और प्रोमोटर के पास 25%, तो अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के पास है। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, शानदार तरीके से एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे। तो बाकी देखिए, इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर किया हूँ, तो प्लीज़ डायरेक्टली किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल मत कर लेना। आपको काम करना है तो एक बार रिसर्च करके सारी चीज़ों को स्टडी करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।